नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। साथियों, यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि DRDO 710 फायरमैन एंड अन्य पदों के जो जिस भी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन स्टूडेंट के फार्म में गलती हो गई उनके लिए भी यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या उनको एग्जाम में बैठाया जाएगा या नहीं बैठाया जाएगा, एग्जाम देने दिया जाएगा या नहीं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएगी, एडमिट कार्ड किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है और आपको अगर एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो भी पूरी डिटेल्स यहां पर बताई जाएगी। तो वीडियो पर आप एंड तक बने रहें। वीडियो पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लें जिससे फायर से संबंधित अपडेट आपका नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन के मैंने PDF बना ली है और आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। सभी स्टूडेंट के जो क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, वहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, DRDO का एडमिट कार्ड की लास्ट डेट रहने वाली है 20/3/2023 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगी, उसके बाद यह साइट बंद हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी DRDO की क्लास है, जो DRDO के करंट अफेयर है, मैंने क्लास डाल दी है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब आपके जो स्टूडेंट के कमेंट रहने वाले हैं, क्वेश्चन है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो इसके संबंध में मैंने पूरी वीडियो बना दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, जीमेल आईडी और आपके टेक्स्ट मैसेज में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, या आपने जब फॉर्म भरवा के आए थे वहाँ से जो प्रिंट निकलता है वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म में गलती हो गई है, सुधार कैसे करें। जो जैसे कि 10वीं के नंबर पासिंग गलत हो गए, यानी रोल नंबर गलत हो गए हैं, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, आधार कार्ड नंबर गलत हो गया है, तो इसके कारण आपको एग्जाम में बैठाया जाएगा या नहीं बैठाया जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यह प्रॉब्लम आ सकती है और एग्जाम सेंटर में आपको जाके पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक DRDO फायरमैन का सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस जाके देख ले, उसके अंदर आपको बताई गई है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। उनका पैटर्नर कैसा रहेगा, तो यह आपको एग्जाम के सेंटर पर लाइव आके मैं बताऊंगा कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट के रिव्यू लूंगा कि किस प्रकार का आपका एग्जाम रहा है फायरमैन का। यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाएं। तो आपका सबसे पहला होना जो आपका सबसे पहले होने वाला है एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके साथ ही दो फोटोकॉपी करा लेना, एक फ़ोटो वहाँ पर जमा हो जाएगी एडमिट कार्ड की और एक आप अपने पास रख लेना। उसके साथ आपको ID प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके अंदर आपकी फ़ोटो जो साफ दिखाई दे रही हो उसकी भी फोटोकॉपी जरूर करा लेना। और आपको यहाँ पर पेन ले जाना है, वहाँ पर अगर पेन नहीं मिलता है तो आपको अब पेन ले जाना यहाँ पर अनिवार्य होगा, ठीक है। यहाँ पर साथियों आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यह होने वाला है, यानी ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिट कार्ड का एप्लीकेशन नंबर कैसे पता करें। तो मैंने अभी आपको बता दिया है, ईमेल के द्वारा आप DRDO को मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इस बार DRDO की तरफ से कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, न ही एडमिट कार्ड के संबंध में ईमेल आया, न ही मैसेज आया। तो DRDO का यहाँ पर एक बग चल रहा है या दिक्कत चल रही है जिससे कि वह रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आपने अब टेक्स्ट मैसेज में देख सकते हैं, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो वहाँ पर एप्लीकेशन आपके नंबर पर टेक्स्ट मैसेज पर आ गए थे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किया था जब वह एप्लीकेशन नंबर पर आते हैं वह मैसेज, अगर आप जीमेल मैसेज पर भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर इन प्रोसेस के कारण भी आपका नहीं होता है तो आप एक कार्य कर सकते हैं, जो डिलीट मैसेज हो गए हैं आपके टेक्स्ट मैसेज में उनको रिकवर कर सकते हैं, 100% आपका समाधान वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। डिलीट मैसेज अगर रिकवर हो जाते हैं आपके 5-6 महीने पुराने, तो आपको यहाँ पर वह टेक्स्ट मैसेज है वह आपका रिकवर हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर साथियों आपका मैसेज भी रिकवर नहीं कर पाते हो तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली टाइम आपको सावधानी बरतनी होगी, आपका डॉक्यूमेंट संभाल के रखना होगा, मैसेज ईमेल संभाल के रखना होगा, नेक्स्ट टाइम आपको ट्राई करना होगा, अगले DRDO फायरमैन के लिए इंतज़ार करना होगा। साथियों, यह थी आज की अपडेट, मैंने वो भी स्टूडेंट के जो कमेंट्स आ रहे थे उन सभी का कमेंट्स मैंने लेके यह अपडेट बता दी है, सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों मिलते हैं एग्जाम सेंटर पर, सभी स्टूडेंट के रिव्यू के साथ किस प्रकार का आपका एग्जाम पैटर्नर आया है वह पूरी डिटेल्स और एनालिसिस वहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।